पीके संडे बाइट का दोस्तों एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, क्या लॉरस लैब्स का शेयर 1,000 रुपए के टारगेट को अचीव कर सकता है? और दोस्तों अगर वो कर सकता है तो हम 100% से अधिक, 100% से अधिक एक रिटर्न की संभावनाओं को देख रहे हैं, जहां पर रिस्क छोटा है और रिवार्ड का पोटेंशियल काफी बड़ा हो सकता है दोस्तों। तो लॉरस लैब शेयर के प्राइस टारगेट को चलिए निकालते हैं आज इस वीडियो में, और मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर प्राइस एक्शन को समझते हैं। और दो महत्वपूर्ण विषय हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है इसके उस टारगेट को पहुंचने के लिए 1,000 के, और दूसरा दोस्तों अगर है तो हमारी प्रिसाइज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को एनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस की जो शुरुआत है वो हम मंथली चार्ट से समझते हैं, और पहले प्रीवियस प्राइस एक्शन को समझते हैं, ताकि हम कॉन्सेप्चुअली इसे समझ सकें कि किस तरह से ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यहां पर देखें दोस्तों तो लिस्टिंग के बाद इस स्टॉक में एक भारी गिरावट देखी गई, और उसके बाद यहां पर क्लियरली हम टिपिकल अक्यूमुलेशन फेज को देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपने डाउ डॉक्ट्रिन्स में देखा है तो टिपिकल अक्यूमुलेशन फेज है, इसका मतलब इस स्टॉक में स्मार्ट मनी जो फ्लो हुई है वो 64 रुपीज से लेकर अराउंड 82-83 के रेंज में इस स्टॉक को अक्यूमुलेट किया गया। और यहां पर देखिए इसने स्टॉक ने मार्च 2020 में एक 59 रुपीज का जो लो बनाया था, और इसके बाद में जो अपसाइड यात्रा की शुरुआत हुई, तो पहला मेजर करेक्शन देखा गया नवंबर 2020 में, जब इस स्टॉक में एक हाई बनाया 321 का, और उसके बाद वहां पे लो बनाया 252 का, तो करीब 21-22% का ये करेक्शन था। लेकिन उससे बड़ा करेक्शन अभी रीसेंट टाइम में हमने देखा, जहां 37-38% ये स्टॉक टूट गया, इसने लाइफ टाइम हाई बनाया 723.75 का अगस्त 2021 में, और उसके बाद इस करेक्शन की शुरुआत हुई, और इस पीरियड में इसने लो बनाया 451 का दोस्तों। तो ये सबसे मेजर करेक्शन है जब से दोस्तों ये अक्यूमुलेशन बैंड का ब्रेकआउट हुआ उसके बाद दोस्तों। अब यहां पे प्राइस एक्शन को समझते हैं, पहले तो रिट्रेसमेंट एनालिसिस करते हैं। ये मेजर करेक्शन जो हुआ था दोस्तों, यहां से जो एक नए इंपल्स का फॉर्मेशन हुआ, तो यहां से अगर हम रिट्रेसमेंट चेक करें तो रीसेंट टाइम में प्राइस ने दोस्तों ये सपोर्ट ले रहा है 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल पे। इसका मतलब यह है कि 483 पर इसने एक अच्छा बेस बना लिया है, क्योंकि 38.2% एक डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का। इसके अलावा इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन जो है, जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है, जो प्राइस इसे रिस्पेक्ट करती हुई नजर आ रही है दोस्तों। अब हम अगर प्रायर इंपल्सिव वेव के आधार पर टारगेट को सिंपली प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें दोस्तों, तो क्या पॉसिबिलिटी नजर आती है कि ट्रेंड रिजम्पशन के बाद में ये अपना पहला टारगेट जो है वो अचीव कर सकता है 829 का दोस्तों, और उसके बाद पॉसिबिलिटी है 1059। तो दोस्तों 1000 तक जाने की संभावना तो नजर आ रही है प्राइस एक्शन एनालिसिस के अनुसार, क्योंकि 127.2% जो 829 का टारगेट है वो पहला टारगेट होगा, और नॉर्मली प्राइस देखा गया है कि 161.8% तक एक्सपांशन तक तो जाती है प्रायर इंपल्सिव वेव के रिस्पेक्ट में। तो दोस्तों ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम ये एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों, ये ट्रेड हो रहा है 525.8 पर, जो वीक की समाप्ति हुई 7 जनवरी को, तो उस दिन इसकी क्लोजिंग प्राइस 525.8 है दोस्तों।
तो करीब 100% का जंप यहां से नजर आ रहा है अगर हम टारगेट के रिस्पेक्ट में बात करें। तो यहां देखिए दोस्तों, मैंने इसे टेबलेट किया है। पहले टारगेट में 57% रिटर्न की संभावना है और सेकंड टारगेट में 101% की संभावना नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट पर ताकि प्राइस एक्शन को फर्दर हम फाइन ट्यून कर सके। अब हम रेफर कर रहे हैं दोस्तों वीकली प्राइस चार्ट को। यहां पर देखिए ये ट्रेंड लाइन को, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और यहां पे फिर से प्राइस ने सपोर्ट लिया दोस्तों इस ट्रेंड लाइन पे, और एक बुलिश पियर्सिंग का फॉर्मेशन हुआ 15 नवंबर 2021 को। तो ऐसा लग रहा है कि अब ये करेक्शन की समाप्ति हो रही है। यहां पर देखिए प्राइस एक्शन के अनुसार प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन था, यहां सपोर्ट था, तो 452 से लेकर 483 का जो बैंड है ये स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया के रूप में एक्ट करेगा। और डाउनसाइड में अगर देखें तो हमें यहां पर ईएमए 55 का सपोर्ट है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, और ये प्राइस एक्शन के अनुसार जो डिमांड एरिया निकाला गया उसका सपोर्ट मिलने की संभावना नजर आ रही है। यहां देखिए मार्कअप फेज में एक टिपिकल रीअक्यूमुलेशन फेज का फॉर्मेशन हुआ। इनफैक्ट टिपिकली देखा जाए तो 20 दिसंबर 2021 की जो बुलिश पिन बार बनी थी वो बुलिश पिन बार ने इंडिकेट किया कि इसने पिछले लो को नहीं तोड़ा। तो इसका जो हाई था दोस्तों 509.2, तो वहां पर टेक्निकली स्पीकिंग इसमें एंट्री ट्रिगर हो चुकी है। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट पर ताकि रीसेंट प्राइस एक्शन की हम स्टडी कर सकें। अब हम रेफर कर रहे हैं डेली प्राइस चार्ट को। यहां पर अगर हम देखें दोस्तों डेली प्राइस चार्ट में, तो पहले ट्रेंड की एनालिसिस करें तो ऑफ कोर्स ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में आ चुका था रीसेंट टाइम में। ईएमए 21 ने ईएमए 55 को क्रॉस अंडर यहां किया तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेरिश हो गया, और उसके बाद दोस्तों ईएमए 55 ने एसएमए 144 को क्रॉस अंडर किया तो इंटरमीडिएट ट्रेंड भी बेरिश हो गया, और फिर सब्सिक्वेंटली आप देखिए ईएमए 55 ने एसएमए 233 को भी क्रॉस अंडर कर लिया, तो एक प्रकार से ये डेथ क्रॉस भी था, तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड में आ गया। लेकिन अगर हम रीसेंट प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करें तो इस ट्रेंड लाइन को देखें, प्राइस का सपोर्ट है जो पहले भी सपोर्ट लेती हुई प्राइस आ रही है यहां पर, और इस ट्रेंड लाइन को देखें तो प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ 27 दिसंबर 2021 को, और यहां पर मासिव सर्ज इन दी वॉल्यूम देखा गया, और वॉल्यूम जो था वो एवरेज वॉल्यूम से भी अधिक था दोस्तों। तो देखिए इसमें फिर से मौका दिया एक बार एंट्री करने का, और वो था 27 दिसंबर की कैंडल के हाई के ऊपर में, और टेक्निकली स्पीकिंग इसका जो रिस्क है बहुत छोटा है। अगर हम अगर इन्वेस्टर हैं तो 452 से हमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस नीचे रखना चाहिए 1-2 रुपए, और अगर हम ट्रेडर हैं तो हमारा स्टॉप लॉस 483 से थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए दोस्तों। तो यहां पर देखिए इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल, हम सभी जानते हैं बायलैटरल पैटर्न है, और फिलहाल प्राइस ईएमए 21, ईएमए 55 के ऊपर में ट्रेड हो रही है, दैट इज मोर सिग्निफिकेंट। इसके अलावा क्या हम कुछ और प्राइस एक्शन को देख सकते हैं? तो यहां पर दोस्तों मैं यहां पर प्राइस एक्शन को खींचने की कोशिश कर रहा हूं। टेक्निकली देखिए ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड का फॉर्मेशन है, और ये राइट शोल्डर के फॉर्मेशन के बाद जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ, इनफैक्ट वो कैंडल ने इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट दिया है 27 दिसंबर 2021 में। एक चीज और गौर करने वाली बात है कि जिस समय भी ये प्राइस कंसोलिडेट कर रही है उस समय में वॉल्यूम एक डिप्लीशन हम वॉल्यूम में देख सकते हैं, और सबसे सिग्निफिकेंट बात है कि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन है। प्राइस ने इस लो को जो रिसेंट टाइम में बनाया है उसको अभी तक नहीं तोड़ा है, लेकिन एक नए हाई को यहां क्रिएट कर दिया है। तो अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों यहां देखिए 7 जनवरी की कैंडल को भी ध्यान से देखें तो प्राइस ने ईएमए 21 पर क्लियर कट सपोर्ट लिया है, जहां पर एक लार्ज लोअर शेडो का फॉर्मेशन है, और प्रायर कैंडल को देखें दोस्तों एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन है 6 जनवरी की। तो 6 जनवरी की कैंडल का जो हाई है 536, इसमें अगर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएं जो आपको जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में ट्यूटोरियल वीडियो में सिखाया गया है,
तो उसमें लगा के हम जीटीटी ऑर्डर बाय लिमिट स्टॉप ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, वो ट्रिगर हुआ तो हमारा ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। और हमने जैसा देखा दोस्तों लार्जर टाइम फ्रेम में कि एक बहुत बड़े टारगेट की संभावना है जहां अभी रिस्क बहुत छोटा है और रिवार्ड का पोटेंशियल बहुत अधिक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक कीजिएगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। दोस्तों शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करना ना भूलें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू वेरी वेरी सून, फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।